हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम साइंस पार्ट टू का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं 2021 एज पर पोर्शन ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस फॉर द ईयर 2020-2021। जो भी पोर्शन ओमिट हुआ है वो आपको वेबसाइट पे दे दिया गया है और जो भी हम सैम्पल पेपर देखने वाले हैं वो भी आपको वेबसाइट में क्लियरली मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और लिंक कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको दे दिया गया है ऑलरेडी एक दिन पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पेपर पैटर्न, इसका इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता ही है कि टाइम 2 आवर्स का है और टोटल मार्क्स 40 रहेगा। ये चीज़ भी आप जानते हो कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दूसरा है कि यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। अब ये वैसे तो साइंस 2 का पेपर है, वैसे भी आप समझते हो कि यहाँ पर कहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ होता है, लेकिन फिर भी अगर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है तो अगर आप कैलकुलेटर लेकर चलने वाले हो तो आप प्लीज़ मत लेके जाना। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है वो भी आप जानते हो कि द नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स, ये भी आप जानते हो, ये भी आप जानते ही हो। यहाँ पे कुछ नया चीज़ नहीं है। क्या लिखा देखिए, इन केस ऑफ एमसीक्यूज जो क्वेश्चन नंबर 1A में आपको मिलेगा, जो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, क्या लिखा कि ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड। जो पहला अटेम्प्ट रहेगा आपका, जो पहला आंसर आप लिखे रहोगे वही वो लोग इवैल्यूएट करेंगे, उसी को वो चेक करेंगे एंड विल बी गिवन क्रेडिट, और उसी का वो मार्क्स देंगे। सेकेंड अटैम्प्ट जो आप लिखे रहोगे, सेकेंड क्वेश्चन जो आप ओवरराइट किए रहोगे या कट करके लिखे रहोगे, वो आपको उसके मार्क्स वो नहीं देने वाले हैं। दूसरी बात है कि इसका जो आंसर है आपको इस तरह लिखना है, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, तो फॉर एवरी एमसीक्यू द करेक्ट अल्टरनेटिव A, B, C, D जो 4 ऑप्शन रहेगा विद सब क्वेश्चन, वो आपको लिखना है। सब क्वेश्चन का नंबर जैसे ये है 1A, 2B, तो ये सब क्वेश्चन के नंबर हैं और ये उसका ऑब्जेक्ट ऑप्शंस है। तो इज़ टू बी रिटर्न एज आंसर्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट का अगर A आंसर है तो आपको इस तरह लिखना है, सेकंड का अगर B है उसी तरह, मतलब जिस तरह ये आप देख रहे हो। फिर ये भी आप जानते हो कि साइंटिफिकली करेक्ट लेबल्ड डायग्राम्स शुड बी ड्रॉन वेर एवर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरत है डायग्राम की तो वो करेक्ट होना चाहिए, साइंटिफिकली करेक्ट मतलब करेक्ट होना चाहिए, ऐसा समझ के चलिए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखते हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है और टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है, जिसका मतलब 5 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A जिसमें से आप यहाँ पे 3 देख रहे हो और 2 यहाँ पे है, तो टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 क्वेश्चंस के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और इसमें जो आपको याद रखना है वो ऑलरेडी आप जानते हो कि इन क्वेश्चन 1A देयर विल बी 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। दिस विल बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक पे बेस्ड रहेगा, टेक्स्ट बुक आपको रीड करना पड़ेगा। फिर वाइल आंसरिंग दीज क्वेश्चंस यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ओनली द अल्फ़ाबेट, जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा, करस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट चॉइस। द अल्फ़ाबेट दैट यू राइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग, ये आप समझ चुके हो। हैंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट द आंसर, तो आपको आंसर लिखने टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर ओवरराइट किया है या अगर आपने कट करके दूसरा आंसर लिखा है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये होगा आपका 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 मल्टीपल क्वेश्चन। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का B पार्ट शुरू होएगा, जो यहाँ पे लिखा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, टोटल यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन आपको लिखना है अगर आप 5 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे कोई 6 क्वेश्चन दे के 5 अटेम्प्ट करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ऑल 5 क्वेश्चन आर कंपल्सरी। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है वो ये, तो दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन ही दिया रहेगा आपको 5 मार्क्स के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको नहीं दिए रहेंगे। और ये क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिसका मीनिंग है इसके आंसर्स जो रहेंगे वो सिंपल सिंपल वर्ड में रहेंगे, बहुत बड़े बड़े आंसर्स लाइन में नहीं रहेंगे। सभी क्वेश्चन को 1 मार्क्स मिलेंगे आपको और सभी डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें क्या क्या आ सकता है देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑड वन आउट जो है वो आप फाइंड करिए। ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए वो आपको मिल सकता है आज या तो कल तक वेबसाइट पे। मैं कोशिश करूँगा जितने में से हो सकेंगे वो क्वेश्चंस के लिस्ट में आपको अपडेट करते रहूँ। तो एक आ सकता है फाइंड ऑड वन आउट, दूसरा को रिलेशन आ सकता है जो आप यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन, मैच द कॉलम आ सकता है, मेक पेयर्स आ सकता है, ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, गिव द नेम्स, फ्लो चार्ट्स टू बी कंप्लीटेड, इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट रहेगा आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आप देख रहे हो थोड़ा सा लगे कि आइडेंटिफाई द गिवन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको आइडेंटिफाई करना है। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम टू विच दिस ऑर्गेनिजम्स बिलोंग, जिस फाइलम को ये बिलोंग करता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। तो 2 टाइप के आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन एनिमल एंड इन विच सब फाइलम इज दैट इंक्लूडेड। तो ऐसे से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेस्ट वे अगर स्टडी का अगर आपको चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स जो है उसको सॉल्व कर लीजिए, अभी के लिए तो बहुत बेस्ट तरीका रहेगा। उसके बाद आप एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करिए, पहले पूरे पेपर, बोर्ड के जो पेपर हैं लास्ट के कितने जितने भी साल के हैं वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप एक्स्ट्रा पे चलिए। यहाँ पे आप देखिए ट्रू और फॉल्स इस कैटेगरी में आने वाला है, तो वो भी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है राइट एनी टू नेम्स, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि गिव द नेम्स ऑफ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 मार्क्स के लिए रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होगा आपका, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होगा जो है गिव साइंटिफिक रीज़न। यहाँ पे ऑप्शन है, 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 2 अटेम्प्ट करना है और 3 के तीनों भी साइंटिफिक रीज़न ही रहेंगे, आपको रीज़न ही देना है। तो 3 scientific reasons will be asked in this question. Students will solve any 2 of these. आपको कोई भी 2 solve करना है. Each bears 2 marks. एक question के लिए 2 marks है, 2 marks यहाँ पे, 2 marks यहाँ पे, 4 marks का question हो जाएगा। उसके बाद B question अगर आप देखते हो तो एक बार क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द फिगर और व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो इसको आपको समझना है, उसके बाद इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर आपको इसका इम्पोर्टेंस बताना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, इसका जो इंस्ट्रक्शन है वो इस तरह है कि दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 सब क्वेश्चंस, और आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि एनी 3 आपको अटेम्प्ट करना है। तो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 3 अटेम्प्ट करना है। तो दिस क्वेश्चन विल कंटेन 5 सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच करेंगे। 3 आप अगर अपेयर करोगे, 3 आप लिखोगे तो 3 × 6 मार्क आपको मिलेंगे। You have to attempt any 3 questions. Minimum 2 questions from biology and 2 from EVS will be asked. तो देखिए biology और EVS का, फिर जैसे साइंस के पेपर 1 में आपने देखा था फिजिक्स और केमिस्ट्री, पेपर 2 में आप कुछ लेसन्स को कैटेगराइज करोगे बायो में और कुछ चला जाएगा EVS में। टोटल 10 लेसन्स है, आपको मालूम है साइंस पार्ट 2 में मैंने क्लियरली बता दिया है कि बायोलॉजी में कौन कौन से लेसन्स आते हैं और EVS में कौन कौन से लेसन आएंगे, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा देखने को। तो मेरी ये सलाह है कि आप कोई एक चीज़ को पहले लीजिए, चाहे बायो के सभी लेसन्स लीजिए, चाहे EVS के सभी लेसन्स लीजिए, पहले उसको प्रिपेयर कर लीजिए, आपका प्रिपरेशन बहुत बेस्ट रहेगा। और एक बार किसी एक पार्ट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद सेकेंड पार्ट में चलिए, आपका 100% प्रिपरेशन हो जाएगा इतने कम टाइम में भी। तो मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम बायो एंड 2 फ्रॉम EVS विल बी आस्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर एज फॉलोस, लॉज आ सकते हैं, डेफिनेशन, अगर लॉज है तो साइंस 2 में लॉज थोड़े कम ही होते हैं, डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, ये भी थोड़े से कम होंगे, प्रिंसिपल्स एंड लॉज। डेफिनेशंस आपको मालूम है ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछेंगे, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, यहाँ पे एक देखते हैं, चलिए देखिए, जैसे ये देखिए एक कंप्लीट द फ्लो चार्ट, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद गिव एनी 4 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंसेस, तो यहाँ पे भी है देखिए गिव डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन, फिर राइट प्रॉपर्टीज़, ये सब प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेजेस, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ थेफ्ट एंड रेमेडी टेकन आफ्टर थेफ्ट, ये उसमें आ रहा है EVS के पार्ट में। फिर यहाँ पे कंप्लीट द गिवन चार्ट, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गिव एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन कंसेप्ट, कुछ कंसेप्ट पे आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, प्रोसेस एंड कंपोनेंट, ये सब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगी क्या आपको सॉल्व करना है। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको अटेम्प्ट करना है सिर्फ और सिर्फ 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2B के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5, 15 मार्क्स दिया है, 5 आपको अटेम्प्ट करना है। तो 3×5 = 15, तो 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देख रहे हो कि गिवन आर द फिगर्स ऑफ सम स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का जो डिवीजन है सेल का उसका स्टेजेस दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना है दीज एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ देम, तो सबका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको ये कि दिस क्वेश्चन विल कंटेन 8 सब क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी एंड 4 फ्रॉम EVS विल बी आस्ड। 5 क्वेश्चन है, अगर आप किसी एक पार्ट को पहले प्रिपेयर करते हो अच्छी तरह पूरे जड़ से तो आपका 4 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा तो नहीं करने वाले कि सिर्फ एक ही पार्ट को कंप्लीट करने वाले हो, चाहे बायो चाहे EVS, पहले एक को परफेक्ट करो, एकदम बेस्ट करो, उसके बाद सेकेंड को आप पढ़ते रहो, आपका पूरा अच्छी तरह कवर हो जाएगा। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग गिवन स्टेटमेंट्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस के जो लिस्ट हैं वो मैं वेबसाइट पर अपलोड करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कमेंट्स करिए तो थोड़ा सा मोटिवेशन सही में आता है कि आप चाहते हो और इसलिए हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे किसी चीज़ पर्टिकुलर क्वेश्चन को के डिमांड को, तो ज़रूर उसको पूरा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप रेमेडीज़ सजेस्ट करिए, मेजर्स बताइए, डायग्राम को एक्सप्लेन करिए, चार्ट को कंप्लीट करिए या कंप्लीट द लेबल, फिर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, कंप्लीट द डायग्राम, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिगर्स, फिगर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट द आंसर्स विद एक्सप्लेनेशंस, राइट लॉज थियरीज एंड एक्सप्लेन, फिर कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द गैप्स। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। किस किस तरीके के ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ या क्वेश्चंस अपलोड कर दूँ, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। चलिए इसके बाद जो ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमने सिर्फ अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऐसा है कि 3 छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फिर विच टाइप ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस, ये एक चार्ट है आपको जो दिया, इसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है इसको। उसके बाद फिर और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा। विच मेंटल प्रॉब्लम इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर, आपको देखना है और क्या मेंटल प्रॉब्लम है, ये लोग क्या कर रहे हैं और हुआ क्या है, ये सब चीज़ को आपको देख के आंसर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर सेम है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास और टू विच द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग, हाउ कैन द ऑयल स्पिल्स ऑफ रिवर एंड ओशंस बी क्लीन, ईवीएस का क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 7 क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन में से कि एक पिक्चर है, इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज़ डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी अगर कोई करता है तो उसे क्या फ़ायदा होता है, ये ईवीएस के सारे क्वेश्चंस है। ऐसे से ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो आप किसी एक पार्ट को पहले कंप्लीट करिए, ईवीएस या बायो, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो ऐसे टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आपको 5 अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक पैराग्राफ दिया और उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बेस्ट पार्ट क्या देखिए कि 1 क्वेश्चन देखिए एनी 1 है, आपको दिस क्वेश्चन विल कंटेन 2 सब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ऑप्शन 1 आपको लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा वेटेज है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायो एंड 1 फ्रॉम ईवीएस। बट आपके लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी लेसन्स आप कवर करोगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी एक को अगर आप पहले परफेक्ट कर लेते हो उसके बाद दूसरा आप करते रहोगे तो आपको 100% फ़ायदा हो जाएगा। 1-2 लेसन अगर आपके मिस भी हो जाएंगे तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो मेरा सजेशन बार बार यही है कि आप किसी एक पार्ट को पहले कंप्लीट कर लिए। और मैंने कौन से लेसन किस पार्ट में आते हैं मैंने वेबसाइट पे इसको बता दिया ऑलरेडी, लिंक पहले कल ही जा चुका है, वो आप विजिट करके देख लीजिए। फिर देखिए दिस क्वेश्चंस विल कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ड्रॉ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, ऐसा आ सकता है कि आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करेक्ट एंड इनकरेक्ट डायग्राम, सिंपल है कि इनकरेक्ट डायग्राम रहेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सारे के सारे डायग्राम आने चाहिए। क्लासीफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, कुछ अनक्लासीफाइड चीज़ दिए रहेंगे आपको क्लासीफाई करना रहेगा। रीड द गिवन पैराग्राफ जो आप यहाँ पे देख रहे हो एंड आंसर द क्वेश्चंस, जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको सिंपल पड़ेगा। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल या चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, इनकम्प्लीट टेबल रहेगा आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आंसर द क्वेश्चंस इन डिटेल, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं प्लेन क्वेश्चंस और उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मेक ए कंसेप्ट डायग्राम बनाना पड़ेगा बेस्ड ऑन एनी कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा उसके बेस पे। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को ज़रूर चाहूँगा अपलोड करूँगा, लेकिन आप प्लीज़ टाइम टू टाइम कमेंट्स करते रहिए सो दैट हमें याद रहे ये सारी चीज़ और हम थोड़ा सा मेहनत करके आपके लिए ज़रूर वो चीज़ कर लें। चलिए आगे फिर लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, तो ये बायो में से लिया है। विच प्रोसेस इज शोन, कौन सा प्रोसेस है ये आपको बताना है और फिर 4 स्टेप्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसका जो पेपर है आपको ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी लिंक मिल जाएगा और ऑलरेडी मैंने लिंक को कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया है, काफ़ी लोगों ने विजिट भी किया है। तो अगर आपको पेपर चाहिए तो वहाँ पे देख लीजिए और ख़ास करके आप बायो और ईवीएस में क्या डिवीज़न है और कौन कौन से पार्ट ओमिट हुए हैं वो सब आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ कमेंट्स करिए आपको क्या क्या चाहिए, जितने ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उतना प्रेशर आता है मेरे प्यारे बच्चों, और जिसकी वजह से थोड़ा मेहनत करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।